freedom. Yeah. Oh, bara freedom. No. और मत इतना जय हिंद दोस्तों। दोस्तों मैंने जो आपको वीडियो दिखाई है, जो आपने वीडियो देखी है, वीडियो त्रिपुरा का बताया जा रहा है, एक मस्जिद का। इस वीडियो की मैं पुष्टि नहीं करता क्योंकि मैंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए देखा है। वहां से उस इस वीडियो को उठाया जिस पर कंटेंट लिखा हुआ था कि त्रिपुरा की मस्जिद पर हमला किया गया, शहीद करने की कोशिश की गई है। और दोस्तों ये पहली वीडियो ऐसी सामने नहीं निकल कर आई है। मध्य प्रदेश की भी वीडियो आपने देखी होगी, वहाँ पर भी मस्जिद पर हमला किया गया था। दिल्ली में जो दंगे हुए थे, दंगों के अंदर भी मस्जिद पर हमला किया गया था। तो ये वीडियो पहली वीडियो नहीं है, इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। बीजेपी की सरकार है और ऐसी वीडियो आपको पहले भी दिखाई दी गई होंगी, अब भी दिखाई दे रही हैं और आगे भी दिखाई दें, तो इसमें चौंकने वाली बात है ही नहीं। क्योंकि ये लोग सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारे देश के जो हिंदू और मुसलमान हैं उनको बांटा जा रहा है, उनको बांटने के बाद सत्ता में बैठा जा रहा है। तो सो हमारे देश में 200 साल अंग्रेज राज कर गए हैं। उनका राज करने का जो तरीका था वो यही तरीका था जो बीजेपी अपना रही है कि हिंदू मुसलमान को बांटो और देश के ऊपर राज करो। देखिए कहा जाता है, कहावत भी दी जाती है कि अगर आपके पास चार लकड़ियां हैं उन्हें एक एक करके आप तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाएंगे, और अगर आप चारों लकड़ियों को पकड़कर एक साथ तोड़ेंगे तो वो टूटेंगे ही नहीं। इसीलिए बीजेपी जो है वो हिंदू और मुसलमान को अलग करती है, बीच में दरार पैदा करती है जिससे सत्ता में बैठे रहें, जिसमें जिससे सत्ता की जो कुर्सी है उसके ऊपर बैठे रहें, सत्ता की जो चाबी है वो पास में रहे, उनसे दूर ना जाए। बड़े ही शर्म की बात है कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई है, मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है। कुरान शरीफ जो इस्लाम की जो किताब है, मुसलमानों की जो किताब है, उन किताबों को फेंका गया, मस्जिद में रखे रहती हैं कुरान शरीफ की किताबें, उन किताबों को वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि फेंका गया। हदीस की किताबें रखी रहती हैं, उर्दू की किताबें, उनके ऊपर भी उन्हें भी फेंका गया है। मस्जिद में और जो सामान होता है उनको तोड़ा गया है और ऐसे मतलब फेंका गया है। तो सो ये बड़े ही मतलब एक धर्म को आप टारगेट कर रहे हैं। और शर्म उससे भी ज़्यादा जब आती है, सवाल जब उठते हैं कि जब ये जो लोग मस्जिद के ऊपर हमला करते हैं फिर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर यही लगता है कि ये सरकार ही करा रही है, सरकार के लोग हैं जो इनके ऊपर पीछे हाथ रख रखा है, वो लोग इसे करा रहे हैं। वो लोग इसीलिए करा रहे हैं कि हिंदू का वोट एक तरफ हो जाए, मुसलमान का वोट एक तरफ हो जाए, और मुसलमान इतने हैं नहीं जितने हिंदू हैं, हिंदू का एक तरफा वोट पड़ जाए, हिंदू को डराने की कोशिश की जाती है। देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का गृह मंत्री हिंदू है, देश का उपराष्ट्रपति हिंदू है, सबसे ज़्यादा हिंदू पुलिस में है, जज हिंदू हैं, तो फिर भी डराने की कोशिश की जाती है कि हिंदू खतरे में, हिंदू को डराने की कोशिश इसलिए की जाती है कि हिंदू को डराएंगे तो हिंदू हमें वोट देंगे और हम सत्ता में बैठे रहेंगे। जबकि हमारे हिंदू वो भाई से मैं कहना चाहूँगा कि ये आपके भी नहीं है, मुसलमान के तो है ही नहीं, ये आपके भी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, आपको डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी। अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आपका बुढ़ापे में सहारा कौन होगा? सरकारें तो आती जाती रहती हैं, तो बीजेपी वाले या सरकार में जो लोग इस टाइम में, वो आपकी मदद करने नहीं आएंगे, आपके जो परिवार के बच्चे हैं वही आपकी मदद करने आएंगे।
तो आप सड़कों की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, शिक्षा की बात करें, कोरोना में हॉस्पिटल की दिख गई ये हालत कैसी है उनकी बात करें, हमारे हॉस्पिटल अच्छे हों, ये मंदिर पर हमले, मस्जिद पर हमले, ये करा देना, वो करा देना, एक धर्म को टारगेट करना, हिंदू मुसलमान को बांटना, ये सही नहीं है। चलिए, आपकी क्या राय इस वीडियो को देखने के बाद, आप नीचे कमेंट में रिप्लाई जरूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा दिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।